नमस्कारम। मैंने एक वीडियो में बताया कि पपीता खाने से थोड़ा आपका एसिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पपीता पचने में हल्का होता है। और उसको सुन करके कई लोगों ने पपीता ही खाना शुरू कर दिया और वो रोज़ पपीता खाते चले जा रहे हैं। पता तो तब चला जब मेरे पास एक व्यक्ति आया और वो उसका डाइजेशन बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा था। मंदाग्नि यानी भूख धीरे धीरे घटती चली जा रही थी। मैंने उसको पूछा, गलत तो नहीं खाते? मैं उसको कंप्लेन कर रहा था, ब्लेम कर रहा था। वो बोला, मैं कभी ज़िंदगी में कम नहीं खाता, अभी भी आजकल भी बद परहेजी कोई नहीं कर रहा। आपने कहा था कि पपीता खाया करो, मैं रोज़ पपीता खाता हूँ। अरे मैंने कहा, भाई मैंने इसलिए नहीं कहा था कि रोज़ पपीता खाओ, रोज़ पपीता खाना गलत है। आपको नहीं मालूम, आयुर्वेद में लिखा है कि अगर आप रोज पपीता खाएंगे तो आपको, आपकी जो पेट की आग है, जो डाइजेशन है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। ये बताना जरूरी है, कोई भी चीज के फायदे सुन करके आप इतना भी ज्यादा अट्रैक्ट ना हो जाया करो कि बस फिर वही चीज ही खानी है और कुछ खाना ही नहीं है। मैं आपको बैलेंस डाइट की बातें सिखाता हूँ, मैं आपको बैलेंस करना सिखाता हूँ कि हर चीज़ का बैलेंस हो। किसी दिन कोई फ्रूट हो, किसी दिन कोई फ्रूट हो, कोई किसी दिन फ्रूट भी ना लिया, किस दिन आपने कुछ ऐसा और उसकी जगह ले लिया, तो बदल बदल के डाइट लीजिए। अगर अकेला पपीता आप खा रहे हैं रोज़ाना रोज़ाना रोज़ाना, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, रोज़ाना पपीता खाना जरूरत से ज्यादा गलत है। कभी कभार हफ्ते में एक दो बार लेना अच्छा है, लेकिन रोज रोज पपीता खाएंगे तो फिर ऐसी मंदाग्नि होगी, ऐसी डाइजेशन कमजोर होगी, फिर धीरे धीरे कुछ भी पचेगा नहीं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। बाकी इतनी चीजों में, बाकी फ्रूट्स में इतना डर नहीं होता, खाली पपीते का होता है, क्योंकि आपने फायदे सुने। अब आप इसके बारे में, मैंने इसका आज नुकसान बोल दिया, अब आप कहोगे जी मैं खाता ही नहीं। ये भी गलत है। जब आपका पेट हैवी है, जब आपने डिनर हैवी कर लिया है, जब आपको लग रहा है कि सुबह मेरा इतना तबीयत अच्छी नहीं है, मैं इतना हैवी नहीं खा सकता, उस दिन आप पपीता खाइए। जिस दिन बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इतना ज़्यादा हैवी आप खाना चाहते हैं, ताकत चाहते हैं शरीर को, उस दिन आप पपीता ना खाइए, उस दिन आप कुछ और हेल्दी डाइट लीजिए। तो ये थी। इसके अलावा भी जैसे धनिया है, पुदीना है। धनिया और पुदीना दोनों अच्छे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो पुदीना आपकी पाचन शक्ति आते ही कमज़ोर कर देगा, धनिया आपकी धातु को, आपकी शारीरिक शक्ति को कमज़ोर कर देगा। इसी तरह इसबगोल है, इसबगोल भी बोलते हैं जिसे, उसको कई लोग कई सालों से ले रहे हैं। जो ले रहे हैं, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग बड़े, तो उनकी आदत हटाइए धीरे धीरे, क्योंकि ये भी धीरे धीरे नसों को कमज़ोर करता है। आप नहीं समझेंगे क्योंकि ये खुश्क है, इसबगोल की जो नेचर है। तो ये हफ्ते में एक दो बार कभी ले लिया, या ज़रूरत के होने पर 2-4-10 दिन ले लिया तो चलता है। इनको आप रेगुलर डाइट में नहीं शामिल कर सकते। तो ये जानकारी मेरे मन में थी कि मैं आपको दूं, और मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। आपका फिर भी कोई सवाल या इसके बारे में, इससे रिलेटेड कोई संशय, कोई क्वेरी अगर मन में आए, तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोज़ में उनका भी समाधान करूँ। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।